नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल अध्यक्ष जयंत चौधरी टप्पल यमुना एक्सप्रेसवे इंटरचेंज के नीचे युवा महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत की तैयारियों में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए, जिसमें उन्होंने युवा महापंचायत में युवाओं और किसानों को संबोधित किया। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी किए गए एसीपी निर्धारण व्यवस्था और सहायक अभियंता को वरिष्ठता निर्धारित के आदेश के खिलाफ आज शक्ति भवन परिसर में भारी संख्या में जूनियर इंजीनियर संगठन के सभी पदाधिकारियों ने कार्य ठप कर धरना दिया। इस दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल समेत सभी मौजूद रहे। उन सभी की एकमत राय थी कि आदेश को प्रबंधन वापस ले और मांगे पूरी न होने की दशा में संगठन न्यायपूर्वक तरीके से अपने आंदोलन को जारी भी रखेगा। राज्य विद्युत जूनियर इंजीनियर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवी पटेल हमारे साथ हैं। आज बेहद ही भारी संख्या में शक्ति भवन परिसर में धरना किया गया था। क्या मुख्य मांगे थी आपकी और धरने को अंजाम क्यों दिया गया? देखिए, ये एक तरह से लोगों के अंदर रोष और आक्रोश था और उस रोष आक्रोश को लोगों ने यहाँ पर आकर व्यक्त किया। और रोष आक्रोश इसलिए था कि वेतन कटौती संबंधी आदेश निर्गत किए गए थे एसीपी को लेकर के, और वरिष्ठता का गलत निर्धारण किया गया था। इन चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर आज प्रदेश भर में जो उबाल था उसका प्रकटीकरण यहाँ हुआ है। और हमने अभी प्रबंधन से बातचीत करके और ये बात अपनी बात वहाँ पर रखी, हमें उम्मीद है कि जरूर हमारी जो न्याय संगत चीज़ें हैं, जो विधिक चीज़ें हैं, उसको वो समझेंगे और समझ करके उस पर न्यायपरक कार्रवाई करेंगे। पटेल जी, अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो इस स्थिति में संगठन क्या करेगा? देखिए, हमारी बहुत ही न्याय संगत मांग है। जो हमारा उत्पीड़न है, जो वेतन कटौती है, वो रोकी जाए। अगर अन्याय जारी रहेगा तो हम केंद्रीय कार्यकारिणी की समिति की बैठक बुलाए हैं और फिर आगे कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। क्या लगता है कि सरकार और प्रबंधन ये आपकी बातें मानेंगे? हमारा प्रबंधन से कहना है, सरकार से भी बात नहीं है। प्रबंधन हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय देगा। धरना लगातार जारी रहेगा। आप लोगों ने जेल भरने की आज बात कही थी, तो ये बात कितनी सत्य है? नहीं, जेल भरने की कोई बात आज नहीं कही थी। नारे कुछ लोग अपने इसमें बोल दिए होंगे, बात अलग है, लेकिन जेल भरने की कोई बात ऐसी नहीं थी आज। लेकिन अपनी बात हमें कहना था और अपनी बात जो पीड़ा थी उसको प्रबंधन को जाना था, वो चीज़ बखूबी पहुँचाई गई। ये हमारे साथ एक और हैं, महासचिव जी हैं। सचिव जी, ये बताइए, मांगे तो पूरी हो गई है, प्रबंधन ने मांग लिया है, स्वीकार लिया है, अब क्या स्टेप होगा? नहीं नहीं, मांगे ना पूरी हुई है ना हमारी कोई मांग है। हम तो अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ उठाने आए थे और अन्याय जो हुआ है उसका ज्ञापन देने आए थे। आज सिर्फ और सिर्फ उन अन्याय के 5 बिंदुओं को एसीपी की व्यवस्था में परिवर्तन कर वेतन कटौती का आदेश किया जाना और सीनियरिटी गलत तरीके से निर्धारित किया जाना, काम के वातावरण न होने पर लगातार श्रम अधिनियमों का उल्लंघन किया जाना, वो ट्रांसमिशन में जो है 400 और 220 और 670 के जो हमारे सबस्टेशन हैं उनको जो है आउटसोर्सिंग पे किया जाना, इसका हमने अपनी एक बात रखी है। आज एमडी साहब और चेयरमैन महोदय ने उस ज्ञापन को लेके केवल आश्वासन दिया है, हम परीक्षण करा के न्याय देंगे। अब धरना जारी रहेगा? हमने न तो कोई धरना प्रारंभ किया है, न भी कोई घोषणा की है। हम अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, हमारी जो कार्यकारिणी हमें निर्देश देगी, जो निर्णय लेगी उसके अनुसार हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में लागू करेंगे। आप सब तक समय से महासचिव जी, आखिरी क्वेश्चन ये है कि प्रदर्शन क्या अगर नहीं मांगे मानी जाती हैं तो क्या ये संगठन जो है सड़कों पर उतरेगा? हम पुनः करें कि अगर हमारे साथ अन्याय होगा, हमें जो मिल चुका था दसियों साल से लोग वेतन ड्रान कर चुके थे, हम वेतन बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं, बावजूद अगर उसकी रिकवरी करने का, उसे कमतर करने का काम होगा तो निश्चय ही जो है हमारा भी कहीं ना कहीं अंदर का जो जीन है, कम से कम हम भी स्वाभिमानी लोग हैं और जिंदा लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जिंदा होते हैं। जिस समय जहाँ जाना पड़ेगा, जिस दरबार पर जाना पड़ेगा, वहाँ जाने के लिए हम लोग स्वतंत्र होंगे और निश्चय ही संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, व्यवस्था के तरीके से, जो कानून में व्यवस्था है उसके विपरीत कहीं ना जा करके अपनी मांग को, अपनी समस्या को, अन्याय को जो है हर प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। यह आपके सामने करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष
जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्हें प्रबंधन से कहीं ना कहीं पूरी तरह से न्याय की उम्मीद है, वो इस न्याय में बरकरार रहेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र में गांव बिजौली में शराबी पति से विवाद होने पर महिला ने 11 माह की अपनी मासूम बच्ची को गोद में लेकर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद बच्ची जिंदा जल गई। वहीं महिला भी गंभीर रूप से झुलस गई है, उसे जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा ये हुआ, मैं अपने घर, वो जालीवारा घर है मेरा, वो सामने, तो मैं आलू काट रहा था बरूला के लिए, तो इधर से बच्चे भाग रहे थे, कुछ इधर कुछ दरवाजे पे खड़े थे, पीछे अंदर से ताला लॉक था, तो मैं जैसे भाग के आया तो यहाँ फॉल्ट हुआ लाइट का, तो मैंने समझा कि कोई तार पकड़ लिया होगा करंट ने, तो मैं वहाँ से भाग के आया हूँ नंगे पैर, तो मैंने सोचा कि ये लाइन जा रही है तो ऊपर से इसे तोड़ दूँ। जब मैं ऊपर गया तो झीने में से धुआं निकल रहा था, फिर मैं अंदर आया, अंदर जैसे आया तो करीब 50-60% वो जल चुकी थी उस समय तक। कौन जले थे? वो लड़की थी और लड़की थी 11 महीने की और वो उसकी माँ थी जी, फिर क्या हुआ? उसका पति बाहर ही था, मतलब बेहोशी जैसी हालत में जग गया था वो, जैसे हल्ला हुआ बाहर ही लेटा करीब 1.5 किलो भी। उसके बाद 108-112 जो भी है जहाँ भी बात बनी वो एम्बुलेंस को बुलाया, यहाँ से अपना CHC PHC केंद्र है हमारे पास में, वो एम्बुलेंस आके वहाँ ले गई, वहाँ से रेफर करके मेडिकल ले गए। उसके बाद लड़की तो घंटे दो घंटे बाद खत्म हो गई, शाम को वो महिला भी खत्म हो गई, दोनों लोग खत्म, दोनों लोग खत्म हो गए। शादी को उनकी कितना टाइम हो गया था? शादी की समथिंग 8-9 महीने, अब 9 साल। प्रदर्शन की खबर सामने आ रही है, जहां प्रदर्शन के दौरान ओवरब्रिज का निर्माण कार्य दस्त ही पूरा करने के लिए SDM प्रीति तिवारी को ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल पिछले 3 साल से निर्माणाधीन ककवा रोड ओवरब्रिज प्रशासन के ढुलमुल रवैये की वजह से चंद व्यापारियों के द्वारा सड़क का अतिक्रमण न हटाने के चलते ही बन नहीं पा रहा है। आज अमेठी क्षेत्र के दक्षिण की जो पीड़ित जनता थी, सैकड़ों की संख्या में लोग आए, ज्ञापन दिए। एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा 2019 से, उसको 18 महीने में बन जाना चाहिए था, 3.5 साल हो गए हैं, ओवरब्रिज बन नहीं पा रहा है। केवल चंद व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटा रहे, बाकी सारे व्यापारी अतिक्रमण हटा लिए हैं। केवल प्रशासन का हीला हवाली के कारण उधर पुलिस का आवागमन है, हॉस्पिटल उसी तरफ है, रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता उसी तरफ से है, केवल प्रशासन टाउन एरिया विशेष करके दोषी है। देवरिया जनपद के महुआडीह थाना क्षेत्र के ग्राम सोन बरसा में रमांती देवी के पति के नाम से पट्टे की भूमि आवंटित की गई थी, जिस पर कुछ लोग निर्माण कार्य में बाधा डालने का काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत रमांती देवी ने समाधान दिवस पर की थी। वहीं उच्च अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए पट्टे की जमीन पर कब्जा दिलाए जाने के लिए आदेश दिया था, उसके बावजूद रमांती देवी लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो रही है। 3 बार DM कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार भी लगाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या निस्तारण, कहां का जमीन है, क्या मामला है? पट्टे की जमीन है, वहाँ ईटा बालू सब गिर चुका है, लेकिन ये लोग मौके पर जा नहीं रहे, कागज निस्तारण दिखा रहे हैं, लोग काम नहीं कर रहे हैं। किसी अधिकारी से बात की थी आप? जी, नायब तहसीलदार से। आदेश किए थे पट्टा? जी, 2-2 बार कर चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी ये लोग सुन नहीं रहे हैं, लोग पैसे के लिए कह रहे हैं कि ज़्यादा पैसा दीजिएगा। क्या नाम है लेखपाल कानगो का? सदानंद तिवारी लेखपाल हैं और राधेश्याम दुबे कानगो। क्या नाम है, किस गाँव के रहने वाले हैं? संबरसा के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? रमांती देवी। अभी आप कहाँ आई हैं? तहसील। क्या अभी यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय है? जी, जिला कार्यालय। क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ हम अपने कागज दे रहे, यहाँ 3 बार आ चुकी हूँ, यहाँ भी कोई मतलब वो नहीं हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में दनकौर कोतवाली क्षेत्र में 1 हफ्ते पहले बच्ची से दुष्कर्म हुआ था, जिसके इलाज के लिए काशीराम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, वहीं पर सही इलाज न मिल पाने की वजह से 7 साल की मासूम तड़पती रही और बच्ची के शरीर में इन्फेक्शन हो गया। वहीं पीड़ित बच्ची के पिता का आरोप है कि अस्पताल महकमा इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। मेरी बेटी
रात दुष्कर्म हुआ, मैं काशीराम अस्पताल में पहुंचा, वहां उन्होंने रुपये मांगे, अभी इलाज नहीं हुआ, लड़की के साथ इन्फेक्शन फैल रहा शरीर में, तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। हरदोई अरवल थाना क्षेत्र के पूरा रतन गांव के किशोर सेना में जाने के लिए अपने गांव के पास से गुजरी सड़क पर दौड़ लगा रहा था, उसी समय सामने से आ रही बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने किशोर को प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। किशोर ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मारो बच्चा कल्ले खत्म हो, मेरे मारा पर नजर कोई न गये, इतना करे जब मारे मारा पर कोई न भरवा नहीं गये। आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हमारे ना इन्ना हमारे घर कर रहा है ना करी जाइए ना करी। अब चलो जाओ मारा तो नहीं करी जाइए। और बाकी जो परिवार वालों की मांग थी एक आधार कार्ड को लेकर उसको भी शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा जहाँ तक परिवार की बात है, चूँकि परिवार जहाँ तक मेरी जानकारी में काफ़ी गरीब है, उसके लिए मैं अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता के लिए रिकमेंडेशन करके भेजूंगा परिवार के आदमी। बदायूं में ब्लॉक म्याओं की ग्राम पंचायत लाभारी में गंदगी और नालों का हाल किसी से भी छुपा नहीं है। आपको बता दें कि मेन मार्केट बाजार में ही नल खराब पड़े हुए हैं और उसके आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ग्राम प्रधान और सचिव अपनी मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। ग्राम प्रधान अपनी दबंगई के आगे ना तो सफाई करा रहा है और ना ही नल ठीक करा रहा है। उन्हें किसी भी शासन प्रशासन अधिकारी का डर नहीं है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। औरैया जिले में एक यातायात की अनोखी तस्वीर देखने को मिली। एक बाइक पर 7 लोग बैठकर घूम रहे थे। बाइक सवार इतने लोग देखने पर लोग हैरान भी हुए। बाइक चलाने वाले युवक ने हेलमेट तक नहीं लगाया था, तो वहीं चौराहे पर मौजूद पुलिस के होश उड़ गए और बाइक को रोककर उसका चालान काटा गया। सरकार और प्रशासन हर साल यातायात के नियमों को समझाने के लिए लाखों खर्च करती दिख रही है, लेकिन लोग नियमों को अनदेखा करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जनपद में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने इस मामले के बाद जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। हमारे एक बाइक पे एक परिवार के एक व्यक्ति है जो अपने साथ 6 बच्चों को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें एक जो तरीका है चालान करने का, लेकिन वो डेटरेंट नहीं है क्योंकि उनको समझाना पड़ेगा। एक जो जागरूकता अभियान हमारा चल रहा है उसके तहत भी इनको जागरूकता की जाएगी कि किसी भी हादसे का शिकार छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं। तो एक अभियान जो मल्टीपल लोग एक ही परिवार के और छोटे छोटे बच्चों को लेकर चलते हैं उसके लिए भी हम चलाएंगे। गाजियाबाद में पुलिस ने 4 चेन लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक सुनार भी शामिल है जो चेन लुटेरों से चेन को खरीदता करता था और चेन लुटेरों के मुख्य आरोपी पर 37 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। लूट और गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराएं भी दर्ज हैं। पुलिस ने लुटेरे के पास से चेन और पिस्टल बरामद की है। एक महिला समेत ज्वेलर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। थाना सियानी गेट जीटी रोड में एक घटना हुई थी, जिसमें 2 लुटेरों ने पिस्तौल के बल पर एक व्यक्ति की चेन लूट ली थी। उसमें 316/22 अभियोग पंजीकृत करा गया था। इसका सफल अनावरण कर लिया गया है एवं इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार करा गया है। इसमें जो मेन अभियुक्त हैं उनका नाम वारिस उर्फ सलमान है, जो कि दिलशाद गार्डन नई दिल्ली के रहने वाला है। इसके पास 37 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत है, जो कि गंभीर धाराओं में है, लूट की धाराओं में एवं गैंगस्टर की धारा में भी है।
सुल्तानपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ पहुंचते ही डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक पर 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। युवक पॉक्सो एक्ट का भी आरोपी है और पुलिस अधीक्षक ने टीमों का गठन कर दिया है। इनके जो दादा थे या बाबा, वो भी उसी थाने के एडजिस्ट्रेटर थे, इसीलिए अभी तक हमें कोई तहरीर जो हालांकि प्राप्त नहीं हुआ है वादीगणों की तरफ से, परंतु पुलिस सही सभी आयामों में अपनी जांच शुरुआत कर दी है। व्यक्तिगत रंजिश लेके पारिवारिक रंजिश से शुरू करके जो भी अलग अलग वो डायरेक्शंस होते हैं, सभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 टीमों के गठन कर दिया गया है, जो स्पेशली जो हमारे क्राइम टीम है उसको भी इंगेज किया गया है। उम्मीद है जल्द से जल्द इस घटना की अनावरण हो जाएगा। धन्यवाद। सुल्तानपुर में नगर कोतवाली क्षेत्र के चौक में शाहगंज रोड पर एक खन्ना जनरल स्टोर में अचानक से आग लग गई। जब तक लोग इसे समझ पाते तब तक आग ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। 10:57 पे हमारे को सूचना मिली वायरलेस रोड द्वारा कि चौक में दुकान में आग लग गई है। 10:58 पे हम लोग दो गाड़ियां लेकर रवाना हुए, उसके बाद एहतियातन तौर पे तीसरी गाड़ी और रवाना करवाई। खन्ना जनरल स्टोर नामक जनरल स्टोर है, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में सामने की तरफ आग लगी थी, जिसको जाते ही तुरंत बुझाना शुरू किया और ग्राउंड फ्लोर पूरा बच गया है, सेकेंड फ्लोर पूरा बच गया है, फर्स्ट फ्लोर का आधा फ्लोर ही थोड़ा प्रभावित हुआ है, बाकी पीछे का हिस्सा पूरा बच गया है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका